जिले के कुक्षी थाना अंतर्गत डोरिया का है, जहां 27 सितंबर की रात्रि में 8 बजे के बाद केरम सिंह पिता बाल सिंह चौहान निवासी ग्राम डोलिया अपने घर पर काम से लौटकर आया और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा। उस समय उसका लड़का संजय भी मौजूद था, जो संजय डर के कारण वहां से भाग गया। आरोपी केरम ने अपनी पत्नी लक्ष्मी बिलालाल के साथ मारपीट करते हुए उसकी हत्या कर दी। आरोपी का लड़का संजय सुबह 5 बजे जब अपने घर आया, तब उसने अपनी मां को मृत हालत में देखा और फिर परिवारजन को बताया, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर आरोपी को कस्टडी में ले लिया। पुलिस ने आरोपी पर आईपीसी में मामला दर्ज किया और आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसकी पत्नी आए दिन मायके चली जाती थी, आरोपी के पास नहीं रहती थी, इसलिए उसने गुस्से में उसके साथ हाथ मुक्के से मारपीट की थी, जिससे वह मर गई। आरोपी की गिरफ्तारी में TI राजेश यादव सहित थाना स्टाफ की भूमिका रही। सर, कुक्षी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ढोलिया में आरोपी पति ने अपनी पत्नी की हत्या की है, क्या है पूरा मामला? देखिए, कल दिन में करीब 11 बजे पुलिस थाना कुक्षी पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम ढोलिया में एक महिला मृत अवस्था में है। जो सूचना पर तत्काल मैं स्वयं अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचा और वहां देखा तो वहां पर लक्ष्मीबाई चौहान नाम की जो महिला थी वो अपने पलंग पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। मौके पर उनके लड़के संजय चौहान भी मौजूद थे, जो मैंने उनसे पूछताछ की। जब पूछताछ में लड़के संजय ने बताया कि विगत परसों जो रात्रि में करीब 8 बजे के बाद में माता पिता का झगड़ा हुआ था, जो पिता केरम पिता वाल सिंह चौहान उम्र करीब 50 वर्ष है, निवासी ढोलिया, इनके द्वारा माँ लक्ष्मीबाई के साथ मारपीट की गई थी और उसी से माँ की मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया जो ये पूरा मामला है एक हत्या का था, इसमें हमने अपराध धारा 103 BNS के तहत दर्ज किया है और जो आरोपी केरम पिता वाल सिंह चौहान है उसको पुलिस कस्टडी में लेकर उससे पूरी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने खुला बताया कि मेरी पत्नी अक्सर जो है मायके चले जाया करती थी, इसलिए मेरा अक्सर उससे वाद विवाद होता था और गुस्से में आके जो है मैंने मारपीट की और उससे उनकी हत्या कर दी है। इसमें आरोपी से इन्वेस्टिगेशन जारी है और आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा।